राणा राजपूताना दुनिया मेरा भगवान सबसे ऊंचा है, अमर है स्वाभिमान। अरे सूर्य के प्रकाश से हमें तेज मिलता है, बहुत सूर्य भगवान है। किससे थक, किससे गए आप लोग? अपने खुद से अंतरात्मा से थके हो आप लोग? सूर्य की रोशनी से, प्रकाश से नहीं थके हो आप, अपने अंतरात्मा से थके हो। एक बार जाग उठो, याद करो उन वीरों के बलिदानों को कि हमारे क्या, हमारे लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। मोहम्मद गौरी ने अपने अस्त्रों को पृथ्वीराज चौहान के कदमों में डालकर उनके कर्तव्य को याद दिलाया। उस वक्त हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उनको माफ किया, लेकिन एक दिन समय ऐसा आया कि पृथ्वीराज चौहान को वो युद्ध हराकर और धोखे से बंदी बनाकर काबुल अफगानिस्तान ले जाता है। वहां जाकर पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल देता है, लेकिन एक दिन उसके सर पे काल घूम जाता है, उसका समय चक्कर घूम जाता है। उसके मन में ये विचार आता है कि मैंने सुना है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धनुषधारी है पृथ्वीराज चौहान, अगर ये बात थोड़ी सी भी सत्य है तो इस बात का प्रमाण देखना चाहता हूँ, इस बात का सत्य भागना चाहता हूँ मैं। एक प्रतियोगिता रखाई और उस प्रतियोगिता में ऐलान करा कि पृथ्वीराज चौहान एक निशाना है, उस निशाने को अगर अंधे आंखों बंद करके अगर साध लिया तो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से वापस हिंदुस्तान जाने दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त अगर पृथ्वीराज चौहान चाहते तो उस निशाने को साध कर वापिस अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भगवान का बदला लिया। वो समय प्रतियोगिता रखी गई, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में वो तीर और कमान थमा दिए गए। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान के भाट ने कहा, कवि ने कहा, चंद्र बधाई ने, धर पलटी धरा पंजा, धर पलटी धरा पंजा, पंजा तीर कमान, धर पलटी धरा पंजा, पंजा तीर कमान, और चंद्र कहे पृथ्वीराज सु दिन पलटा चौहान, और चंद्र कहे पृथ्वीराज सु दिन पलटा चौहान। चंद्र बधाई ने कहा कि धर पलटी धरा पंजा, तेरी धरती पलट गई, तेरे तीर कमान पलट गए, लेकिन उसके साथ साथ तेरा समय भी पलट गया पृथ्वीराज चौहान। अब समय है, तेरे पास दो पहलू, अगर तू जान बचा के हिंदुस्तान जाना चाहता है वो भी जा सकते हो, और अगर आप अपना बदला लेना चाहते हो और पूरे दुनिया में अपना नाम, अपने कुल का नाम करना चाहते हो तो वो भी करना चाहते हो। सामने वहां पर ऊपर जाके मोहम्मद गौरी बैठ गया और उस वक्त एंट्री दिया चंद्र बधाई ने। Oh,
स्कूल में एक बहुत बड़ा राजस्थान की उसी धरती में एक बहुत बड़ा वीर हुआ वीएल देव। हमारी नजरों से वो थोड़े अनजान है, लेकिन वीएल देव का जब मैं आप लोगों के बीच में परिचित होगा, राणा साहब चौहान वंश के जब समय थोड़ा बीता, उस समय के बाद चौहान वंश में एक बहुत बड़ा वीर आया वीहड़ देव रावत। मैं दो चार चौहान वंश के जो महान वीर हुए उनके बारे में बताऊंगा, और आप लोग जब उनका इतिहास सुनोगे आपको पता चलेगा कि वास्तव में कुछ कर गए वो। छोटू सिंह जी, हमारी बहन आपके साथ। इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था उस वक्त, और वो उस वक्त चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए निकला, लेकिन चौहान वंश का वो सूरवीर मात्र एक अकेला जब अजमेर की पुण्य धरा पर इल्तुतमिश आ पहुंचा, उसने वहां डेरे लगाए, तो वहां के चौहान वीहड़ देव जी ने क्या किया। वीहड़ देव में वीर धरा का कैसे तू परवान, और मूछ काट कर लाया मिश्री भाग गया सुल्तान। वीहड़ देव को पता चला कि इल्तुतमिश चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है, तो वीहड़ देव को यह पता चला कि इल्तुतमिश हमारे ही इलाके में रुक चुका है, मगरा क्षेत्र में पृथ्वीराज की भूमि पर रुक चुका है। उसको पता चला तब उसके मन में विचार आया कि अगर पृथ्वीराज की भूमि को वो लाद कर चला गया तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा खलक लग जाएगा। मात्र एक अकेला गया, और उस वक्त रात को सोते हुए इल्तुतमिश की एक मूंछ काट कर चित्तौड़ ले गया, और जाकर चित्तौड़ दर्श को जगा दिया कि राणा जागो, जो इल्तुतमिश तुम पे आक्रमण करने के लिए आता है था उसकी मैं मूंछ काट कर ले आया हूं। इल्तुतमिश के मन में घबराहट हो गई कि यहाँ का इस मगरे का एक कणकण चौहान वंश का एक इंसान आकर मेरी मूंछ काट कर ले गया, अगर सारे वीर यहाँ पर जाग गए तो मेरी क्या हालत हो गई। बलि वीहड़ देव महान की, वीहड़ देव में वीर धरा का, वीहड़ देव में वीर धरा का, कैसे तू परमान, और मूंछ काट कर लाया मिश्री भाग गया सुल्तान। अमर है सा बीमार भूल ना जाए, उन वीरों की कुर्बानियों को भूल ना जाए।